साथियों, विकसित भारत के लक्ष्य को हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब भारत का हर राज्य विकसित बने। इसलिए बीते वर्षों में हमने ओडिशा को हर सेक्टर में अधिक से अधिक सपोर्ट किया है। केंद्र सरकार के प्रयासों से ओडिशा आज पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल के क्षेत्र में भी नई ऊंचाई प्राप्त कर रहा है। पिछले 10 सालों में ओडिशा में पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है। बीते 10 वर्षों में पहले की तुलना में रेलवे के विकास के लिए ओडिशा को 12 गुना ज्यादा बजट दिया गया है। बीते 10 वर्षों में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत ओडिशा के गांवों में करीब 50,000 किलोमीटर सड़कें बनी हैं। राज्य में 4,000 किलोमीटर से अधिक नए नेशनल हाईवे का निर्माण भी हुआ है। आज भी यहां नेशनल हाईवे उससे जुड़ी 3 बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है। इन प्रोजेक्ट से झारखंड और ओडिशा के बीच इंटर स्टेट कनेक्टिविटी बढ़ेगी और यात्रा की दूरी भी कम होगी। ये क्षेत्र खनन, बिजली और इस्पात उद्योग की संभावनाओं के लिए जाना जाता है। इस नई कनेक्टिविटी से इस पूरे क्षेत्र में नए उद्योगों के लिए संभावनाएं बनेगी, रोजगार के हजारों नए अवसर बनेंगे। आज संबलपुर तालचेर रेलखंड का दोहरीकरण, जार तरभा से सोनपुर सेक्शन तक नई रेल लाइन का भी शुभारंभ हो रहा है। पूरी सोनपुर एक्सप्रेस से सुबनपुर जिला यानी हमारा सोनपुर जिला आज रेल कनेक्टिविटी से जुड़ रहा है। इससे श्रद्धालुओं के लिए भगवान जगन्नाथ का दर्शन करना और आसान हो जाएगा। ओडिशा के हर परिवार को पर्याप्त और सस्ती बिजली मिले, इसके लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। आज जिन सुपर क्रिटिकल और अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट्स का उद्घाटन यहां हुआ है, उनका लक्ष्य भी यही है। भाई और बहनों, बीते 10 वर्षों में केंद्र सरकार ने जो नीतियां बनाई है उनका ओडिशा को बहुत अधिक फायदा हुआ है। हमने खनन के क्षेत्र में जो नए रिफॉर्म किए हैं, ओडिशा उसका बहुत बड़ा लाभार्थी रहा है। खनन नीति में बदलाव के बाद ओडिशा की आय में 10 गुना की वृद्धि हुई है। पहले खनिज उत्पादन का लाभ उन क्षेत्रों और राज्यों को उतना ही मिल पाता था जहां से खनन होता है। हमने इस नीति को भी बदला। केंद्र की भाजपा सरकार ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का गठन किया। इसे खनिज से हुई आय का एक हिस्सा उसी क्षेत्र में विकास के लिए लगाना सुनिश्चित हुआ। इससे भी ओडिशा को अब तक करीब करीब 25,000 करोड़ रुपए से अधिक मिल चुके हैं।
ये पैसा जिस क्षेत्र में खनन हो रहा है वहां के लोगों के कल्याण के काम आ रहा है। मैं ओडिशा की जनता को आश्वस्त करता हूं कि केंद्र सरकार इसी समर्पित भाव से ओडिशा के विकास के लिए काम करती रहेगी। साथियों, मुझे यहां से एक बहुत बड़े कार्यक्रम में जाना है, खुले मैदान में जाना है, तो वहां मिजाज भी कुछ और होता है। तो मैं यहां लंबा समय आपका नहीं लेता हूं, लेकिन वहां मैं जरा अधिक समय लेकर के काफी बातें करूंगा। 15 मिनट के बाद उस कार्यक्रम में पहुंचूंगा। एक बार फिर आप सभी को विकास कार्यों के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और मेरे युवा साथियों को विशेष बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगला तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।